इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। पर क्या वाकई मौत के बाद इंसान की कुछ औकात नहीं रहती? जिंदा जिस्म जब मौत के आगोश में चला जाता है तो क्या इसकी कोई अहमियत नहीं रहती? ऐसे सैकड़ों सवाल बेल्लारी में कोरोना से मरने वालों की लाशों के साथ होता देखकर पूछा जा रहा है। यकीनन मौत एक सच्चाई है और कुरान कहता है कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। मौत वाहिद सच है जिसका इनकार अब तक किसी ने नहीं किया। कोरोना मर्ज है और यह आलमी वबा है, पर क्या मरने के बाद बेजान जिस्म को कूड़े कचरे की तरह फेंक दिया जाता है? लिहाजा कोरोना से बेल्लारी जिले में तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई। इन पर COVID-19 हिदायतनामे के मुताबिक अंतिम संस्कार यानी के आखिरी फराइज अंजाम देने थे, पर COVID-19 मर्ज में मुब्तला मरीजों की मौत हुई तो इनके लाशों के साथ बेहरमती करते वीडियो वायरल हो चुके। अवाम में इंतजामिया के खिलाफ बढ़ता गुस्सा देखकर वजीर सेहत श्री रामुलु ने ट्वीट के जरिए माफी मांगी तो बेल्लारी जिला सेहत महकमा ने इसके लिए माफी मांगी है। बेल्लारी DC SS नकुल ने तमाम पर सख्त कार्रवाई का इशारा भी दिया है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कोरोना से मरने की कोई कदर कीमत नहीं होती? इंसान को किसी भी तरह मौत आ सकती है तो क्या इसे कचरा समझकर गड्ढे में फेंक दिया जाएगा? क्या कोरोना से मौत के बाद इतनी हिकारत से पेश आते हैं? लाशों को फेंकते सरकारी अमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हुकूमत पर चारों तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, पर क्या माफी मांगने से काम हो जाएगा? उन लोगों के घर वालों पर क्या बीती होगी? किस कदर इन्हें तकलीफ हुई होगी जिनसे वो मोहब्बत करते थे? इनकी लाशों को बेरहमी से फेंका जा रहा है। यकीनन सोचने का वक्त है आखिर क्या क्या नहीं सिखा गया यह कोरोना और क्या नहीं दिखाया। ऐसे कई नजारे जो दिल को छू लेने वाले और कुछ ऐसे देख कर शायद आंखें नम हो जाती है, कलेजा हलक को आता है। गरीबी बेबस जिंदगियां खामोश चलते कदम दिन रात हजारों किलोमीटर, अभी इसे किसे जिम्मेदार ठहराए? हुकूमत की गलत पॉलिसियां या कोरोना महामारी? लॉकडाउन में और अब तक दिल दहला देने वाली वाक्य देखने को मिलते हैं। भारत की बेबस तस्वीर दुनिया ने देख ली है। दुनिया भर में मोदी हुकूमत पर तंज कसा जा रहा है, पर हुकूमत है अपने कामयाबी की पीठ थपथपाते रहती है और नहीं थकती। कनौज यूपी में 3 साल के मासूम की मौत हुई, इसलिए हुई क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया, किसी डॉक्टर ने बच्चे का इलाज नहीं किया और आखिर बच्चे की मौत हो गई। मासूम बच्चे की लाश को अपनी आगोश में लिए, अपनी बाहों में लिए अस्पताल के सामने रोता बिलखते बाप को देखकर हर एक की आंखें नम हो रही थी। इससे पहले भी हमने उस भूखी माँ को भी देखा था जब भूख से मर चुकी थी और मासूम माँ की लाश के पास खेल रहा था वो मासूम बच्चा। उस मासूम को मालूम नहीं था कि हुकूमत के गलत इकदामात की वजह से हजारों लाखों लोग भूखे पेट अपने घर जा रहे थे, किसी तरह इन्हें घर पहुंचना था। इन्हीं बदनसीबी में इस मासूम की माँ भी थी और खुद मासूम भी था। लाखों करोड़ों के पैकेजेस अनाज की बोरियां हर रोज ऐलान सुनने में बहुत तो बहुत अच्छा लगता है। अंधवक्तों के लिए हुकूमत की जय जयकार के लिए एक और जुमला तो मिल गया, पर लाखों लोगों की जिंदगियां गुमनाम मौत मर रही है और इस मौत का किसी को मलाल भी नहीं। फिर वो कोरोना से मरी लाश ही क्यों ना हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।